तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी भीड़ लगी हुई है भाई साहब 49 रुपीज का पिज्जा खाने के लिए। तो मैं आ चुका हूँ हल्द्वानी की ऐसी जगह में जहाँ मिलता है 49 रुपीज का पिज्जा। और भाई साहब केवल पिज्जा नहीं मिलता बल्कि पिज्जा में कई सेप मिलते हैं, जैसे कि कपल्स के लिए एक स्पेशल पिज्जा इनके पास जो कि है हार्ट शेप पिज्जा, जिसको खाने के बाद 7 जन्म का तो पता नहीं लेकिन इस जन्म में बिल्कुल एक दूसरे के साथ रहोगे। जैसे कि मैंने बताया 49 रुपीज का पिज्जा खाने के लिए भाई साहब भीड़ लग जाती है यहाँ पर, जैसे कि सर भी देख सकते हो गाड़ी से आ रहे। सर आपका नाम क्या है? हम भी आए हैं हल्द्वानी, मतलब हल्द्वानी में आए ओनली पिज्जा खाने के, बेरनाग में रहते हैं हम। अच्छा आपने नाम नहीं बताया सर अपना। विक्रम सिंह रावत है मेरा नाम, हल्द्वानी वाइट्स के नाम यहाँ पे आए हैं हम। लेकिन पिज्जा एक बार खाया तो दोबारा आए हैं फिर पिज्जा। अच्छा क्या बात कर रहा हो? वेरी गुड, मैं बहुत ही वेरी टेस्टी वेरी नाइस। मैम आपका नाम क्या है? किरण। अच्छा ये बताइए आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो या पहले भी कभी आ चुके हैं? मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। कैसा लगता है आपको यहाँ का टेस्ट? टेस्ट तो अभी तक तो अच्छा लगा जितना खाया है। अच्छा टेस्ट करके बताइए कैसा है टेस्ट इसका? हाँ प्राइस के हिसाब से सही है, काफ़ी वर्थ इट है, और जो टॉपिंग है इसकी मतलब सही है। आप बाकी लोगों को सजेस्ट करना चाहोगे कि वो भी आए यहाँ खाने के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि कॉलेज है पास में है तो कॉलेज के बच्चों के हिसाब से काफ़ी सही है, 49 में अफोर्ड कर सकते हैं बच्चे। तो भैया ये बताइए आपके भाई इतनी भीड़ लगे रहती है शाम के टाइम, तो भाई क्या है इसका राज? इसका राज ये है कि हमारा बेस्ट पिज्ज़ा और हम 49 रुपये पिज्ज़ा देते हैं, पूरे हल्द्वानी में कोई है नहीं 49 रुपये पिज्ज़ा देने वाला जो हम दे रहे हैं। और ये बताओ ये हार्ट शेप का क्या सीन शॉट है भाई? ये हार्ट शेप का ये पूरे हल्द्वानी में हम सबसे यूनिक चीज़ लेके आए हैं, जो हार्ट शेप है 89 में आता है पिज़्ज़ा और ये हार्ट शेप में आता है और इसका टेस्ट भी बेस्ट है। ओके और कितना समय हो गया आपको ये स्टार्ट करे हुए? मेरे को यहाँ पे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा है, मतलब 2-3 महीने हो रखे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा है। और 2-3 महीने के अकॉर्डिंग भाई साहब रिस्पॉन्स बहुत तगड़ा नहीं लग रहा आपको? हाँ अब ये है कि कम रेट में अच्छी चीज़ खिला रहे हैं तो इसलिए रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। बाकी आपके मैंने टेस्ट किया पिज़्ज़ा, बहुत ही प्यारा लगा मुझे लिटरली, थैंक यू। इसका बेस कैसे तैयार करते हो आप? बेस हम अपने हाथ से फ्रेश बेस देते हैं ना, हम बेस कहीं से लाते हैं क्योंकि बेस की ऐसा होता है, हम खुद अपने हाथ से बेस तैयार करके अपने हाथ से फ्रेश बेस बना के देते हैं। क्योंकि बेस काफ़ी सॉफ्ट लग रहा था मुझे, लोगों का क्या होता है रोटी ऐसा लगता है वो खींचने में ना। हाँ वो होता है, हमारा सॉफ्ट बेस अपने हाथ से तैयार करते हैं हम। ये हमारी MBBG कॉलेज से 10-50 मीटर ऊपर पे शॉप है हल्द्वानी वाइट्स करके, MBBG के पास ही आपकी लगती है कि नहीं? हाँ, टाइमिंग क्या है अपनी? हमारी टाइमिंग है 3-4 बजे से शाम को 8-9-10 बजे। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे हाथ में आ चुका है हार्ट शेप वाला पिज्जा है कि नहीं, मैं आपको बताऊँ ना कमाल की बात, लोग दिलों के साथ खेलते हैं और हम उसको खाते हैं भाई साहब, है कि नहीं? अब अगर मैं ओवरऑल इसकी रेटिंग्स की बात करूं तो मैं पहली बार किसी पिज्जा को रेट करना चाहूंगा 10 out of 10 भाई साहब, लिटरली 10 out of 10, क्योंकि इसका जो बेस है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है ना, और इस प्राइस पॉइंट पे इतना बढ़िया बेस प्रोवाइड कर रहे प्लस टेस्ट भी है। मेरा नाम नितेश बिष्ट है, तो मैं यहाँ पे काफी टाइम से आ रहा हूँ, तो मेरे साथ वाले दोस्त लोग सब लोग आते हैं यहाँ पे, तो क्या कहते हैं यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो 49 रुपीज में मतलब बहुत अच्छा है, मतलब कुछ कहने बेटर, मतलब बेटर से बेटर मिल जाएगा आपको ये यहाँ पे बस। वही हार्ट शेप वाले पिज्जे का क्या सीन शॉट है? हार्ट शेप वाला वही कपल्स के लिए जो आते हैं, कपल्स के लिए वो सही है ज़्यादातर। तो कपल से ऑर्डर करते क्या? ऐसा नहीं है, वैसे भाई बहन भी आते हैं, बहुत आते हैं, दोस्त लोग आते हैं, फ्रेंड आते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। फिर ठीक है, मतलब मैं तो डर गया था, मैंने भी ऑर्डर किया था ना अभी हार्ट शेप वाला। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ। उत्तराखंड स्ट्रीट फूड को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।